ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन औऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफिया। आज की इस संवेदा ई क्लास में मैं मोहम्मद असगर अली मोइन मुअल्लिम सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल एलिविचाली तालुका जिला रायचूर आप तमाम का तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम मजमून उर्दू से सबक नंबर 2 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा हिस्सा जो है पढ़ने जा रहे हैं। अजीज बच्चों, सबसे पहले आप तमाम अपनी जमात पंजुम की उर्दू निसाबी किताब पेन और नोटबुक अपने पास रखें। प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम मजमून उर्दू का सबक नंबर 2 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा इयादा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो सबक पढ़ा था उसके जो अहम नुकात हैं उनका इयादा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, 40 बरस की उम्र में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम सारे इंसानों तक पहुंचाया। और दूसरा पॉइंट है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के इस काम में बहुत तकलीफें उठाई और तकलीफें बर्दाश्त फरमाई, बहुत मेहनत व जद्दोजहद फरमाई और सब्र व हिकमत के साथ दीन इस्लाम को फैलाया। और इसी तरह नंबर 3, जब दुश्मनों के जुल्म व ज़ियादतियां और तकालीफ ज्यादा हो गईं तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना शहर को हिजरत फरमाई। हिजरत के इसी साल से सने हिजरी शुरू होती है। इसी तरह चौथा पॉइंट देखते हैं, ऐलान नबुवत के 12वें साल मेराज का वाकया पेश आया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया और जन्नत और दोजख के नज़ारे दिखाए और नमाजों का तोहफा इनायत फरमाया। इसी तरह पांचवा पॉइंट देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों, मजबूरों, बेवाओं और यतीमों की मदद फरमाया करते थे और बीमार की इयादत फरमाते और अपने काम खुद फरमाते, सलाम करने में पहल फरमाते। तो प्यारे बच्चों, आपने ये इयादा जो पिछली क्लास में हमने जो सबक पढ़ा था उसका इयादा आपने समाप्त किया, इसको बगौर याद रखें। और अब जो है हम सबक की तरफ चलते हैं और सबक की तरफ जाने से पहले हमें चाहिए कि हम जो है आने वाले सबक में जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे मैं उनके माने आपको बता देता हूं ताकि आपको सबक का मफहूम आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो अल्फाज और माने इस तरह हैं, अमीन, अमीन लफ्ज के माने हैं अमानतदार, भरोसे के काबिल। और सादिक, सादिक के माने हैं सच्चा, हमेशा सच बोलने वाला। और इसी तरह दोशुम्बा, दोशुम्बा लफ्ज के माने हैं पीर। और इसी तरह दयानतदार, इसके माने हैं ईमानदार। और उम्मती, उम्मती के माने हैं पैरोकार। तो ये जो है इंशाअल्लाह आगे जो है आप जब सबक पढ़ेंगे सुनेंगे तो इन जो है इस सबक में आपको ये अल्फाज आपको जो है सुनने में आएंगे। आपको चाहिए कि इन अल्फाज के माने आप याद रखें और जो है इसका मफहूम समझने की कोशिश करें। आइए हम सबक की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 2 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी और तीसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप जो है अपनी किताबें निकालिए और अपनी किताब में आप देखिए और बगौर समाअत कीजिए
और जो है गौर से सुनने की कोशिश कीजिए और अपनी उंगली जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां पर रखते हुए आप भी आहिस्ते से पढ़िए। सबक नंबर दो, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नेक, ईमानदार व दयानतदार थे। इन्हीं खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक के लकब से याद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे इंसाफ पसंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाफ पसंदी के कायल थे। 63 बरस की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को दोशंबे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहलत फरमाई। आप पर लाखों दुरूद व सलाम। हमें खुश होना चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें, दूसरों को भी अमल करने की ताकीद करें। इससे दुनिया व दीन दोनों में कामयाबी होगी। तो मैंने आपको ये सबक सुनाया है, आपने बगौर सुना है। अब मैं आपसे जो है, आप मेरे साथ पढ़िए, मैं जिस तरह से पढ़ता जाऊं आप भी जो है इस सबक को मेरे साथ दोहराइए। सबक नंबर दो, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नेक, ईमानदार व दयानतदार थे। इन्हीं खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक के लकब से याद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे इंसाफ पसंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाफ पसंदी के कायल थे। 63 बरस की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को दोशंबे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहलत फरमाई। आप पर लाखों दुरूद व सलाम। हमें खुश होना चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें, दूसरों को भी अमल करने की ताकीद करें। इससे दुनिया व दीन दोनों में कामयाबी होगी। मैं समझता हूं आपने सबक की बुलंदखानी की होगी और सबक को बगौर सुना है। अब हम सबक को समझते हैं। सबक के जो अहम नुकात हैं आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपको सबक के अहम नुकात समझाता हुआ आगे बढ़ता हूं। सबक का पहला अहम नुक्ता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नेक, ईमानदार और दयानतदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोला करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। लोगों की अमानतें संभाल कर रखते और वैसे ही अमानतों को लौटा देते। इन्हीं खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक के लकब से याद किया जाता है। प्यारे बच्चों, अजीज तलबा और मोहतरम नाजरीन, आपको मालूम होना चाहिए कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी नहीं बनाया, अभी आपको नबुवत नहीं दी गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के मुशरिकीन, मक्का के कुफार, तमाम जो है माशरे के लोग, अरब के लोग आपको अमीन और सादिक के लकब से जो है याद करते थे, आपको पुकारा करते थे। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे, यानी जब जो भी आपके पास अमानतें रखते आप उनकी अमानतें वैसे ही लौटाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, हमेशा सच बोला करते थे, कभी आपने झूठ नहीं बोला, ना नबूवत से पहले और ना नबूवत के बाद। नबी बनने से पहले भी और नबी बनने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच ही बोला और कभी आपने झूठ नहीं बोला, और अपने मानने वालों को भी हमेशा सच बोलने की ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब में जो है अमीन और सादिक के लकब से मशहूर थे। प्यारे बच्चों, आज हमें ज़रूरत है कि हम भी अमानतदार बने, अमीन बने और हम भी सादिक बने, सच्चाई के अलमबरदार बने, हमेशा सच बोलें, कभी झूठ ना बोलें, हमेशा जो है हमारे मुंह से जो भी बात निकले सच्ची बात निकले, कभी झूठ बात ना निकले, कभी झूठ ना बोलें, कभी झूठ का सहारा ना लें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, हमें इन अखलाक को अपनाना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही दयानतदार थे और बहुत ही नेक थे और बहुत ही ईमानदार थे। हमें ये बात याद रखनी है और इन अखलाक को हमें अपनाना है। और दूसरा नुक्ता यहाँ पर
मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और इंसाफ पसंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ पसंदी के खायल थे। जब भी कोई परे जो है लोगों में जो है प्रॉब्लम आ जाता, कोई जो है झगड़ा फसाद पैदा हो जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला लेकर के फैसले के लिए लोग आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के साथ उनके दरमियान फैसला फरमाते। यहाँ तक के सिर्फ मोमिनीन नहीं आते बल्कि जो है कुफार और यहूदी भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसले के लिए आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जात, उनका मजहब, उनका दीन वगैरह कुछ भी नहीं देखते थे, रंग नस्ल कुछ भी नहीं देखते थे, बल्कि आप जो है इंसाफ के तराजू में जो है इंसाफ को तोला करते और जो है जिसको जो है सजा देनी है, जिसकी गलती है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा जो है सुना देते। तो ये जो है कुफार और मुशरिकीन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के खायल थे और आपके पास इंसाफ के लिए जो है आया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान इंसाफ फरमाते। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ही इंसाफ पसंद थे। हमें भी जो कोई भी इंसाफ के लिए बैठते हैं, जब कभी भी कोई जो है मसले पर जो है इंसाफ के लिए बैठते हैं, उन्हें चाहिए कि जो है जात बिरादरी ना देखें, जो है मजहब और नस्ल ना देखें, बल्कि जो है इंसाफ से काम लें। और इंसाफ का तकाजा ये है कि जो है सिर्फ और सिर्फ इंसाफ किया जाए, अपनी बिरादरी वाले के साथ जो है अच्छा मामला करते हुए उसकी जो है उसकी तरफ जो है फैसला ना सुनाएं, बल्कि जो है हक की तरफ जो है फैसला सुनाएं, हक पर जो है फैसला सुनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही जो है ईमान का तकाजा है। और तीसरा पॉइंट यह है कि 63 बरस की उम्र शरीफ में 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहलत फरमाई। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो 60 पर 3 साल यानी 63 बरस की उम्र आपको नसीब हुई और 63 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस दीन को जो है सारी दुनिया के लिए पहुंचाया, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया, कुरान और हदीस को पहुंचाया और जो है अल्लाह के पैगाम को सारे लोगों तक पहुंचाया और मुकम्मल दीन इस्लाम को लोगों तक पहुंचा करके 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जो है जो रिहलत फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी 12 रबीउल अव्वल को है और आपका जो पैदाइशी दिन है वो भी जो है 12 रबीउल अव्वल है। तो प्यारे बच्चों, अजीज तलबा और नाजरीन, हमें मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र है वो 63 बरस की उम्र है। आपको मालूम होना चाहिए कि 40 बरस की उम्र में आप नबी बने और आपने जो है 20 पर 3 साल तक आपने नबूवत का काम किया, लोगों को अल्लाह का दीन पहुंचाने का काम किया। 20 पर 3 साल यानी 23 साल तक आपने जो है दीन की मेहनत फरमाई, लोगों को दीन इस्लाम जो है पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक पहुंचाया। इस तरह आपकी उम्र जो नबुवत से पहले की 40 साल की उम्र और उसके बाद 20 पर 3 साल यानी 23 साल की जो उम्र है वो नबी बनने के बाद नबुवत वाली जिंदगी, ये जो है दोनों मिला करके आप जो है पूरे जो है 63 साल की उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई और 63 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पीर के ही दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहलत फरमाई। इसी तरह चौथा अहम नुक्ता है, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर हमें अमल करना चाहिए और दूसरों को भी अमल करने की ताकीद और दावत देनी चाहिए, इससे दीन और दुनिया दोनों जहानों में कामयाबी हासिल होगी। ये अहम बात है कि हम जो है ईमान लाने के बाद, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद और जो है मोमिन बनने के बाद, ईमान लाने के बाद जो है हमें चाहिए कि हम हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात पर अमल करना चाहिए, हर बात पर हमें अमल करना चाहिए, हर सुन्नत पर अमल करना चाहिए, हर हदीस पर अमल करना चाहिए। हमारा जो है ईमान जब अल्लाह और उसके रसूल पर है तो हमारा अमल भी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर होना चाहिए। हमें हर बुराई से बचते हुए हर अच्छाई
के काम करते हुए जिंदगी गुजारना है, हर बुरे कामों को छोड़ना है, हर गुनाह के काम को छोड़ना है, हर बुरे कामों से दूर हो जाना है और हर नेक काम हमें बजा लाना है। हर जो है नेक काम जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उन कामों को हमें बजा लाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी का हुक्म दिया है, 5 वक्त की नमाजें हमें पढ़नी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया है, हमेशा सच बोलना है, झूठ से बचना है। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से जिंदगी गुजारने की ताकीद फरमाई है, सादगी से जिंदगी गुजारनी है, क़नाअत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, शुक्र के साथ, सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अमन के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। फसाद हमें पसंद नहीं है, अमन के साथ ज़िंदगी गुजारना है, लड़ाई झगड़े में हमें नहीं पड़ना है, बल्कि हमें प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारना है, बड़ों का अदब करते हुए और छोटों से प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आते हुए ज़िंदगी गुजारना है। और दूसरी बात कि जो है हमें सलाम में पहल करना है, छोटे बड़ों को सबको सलाम करना है, सबका अदब व एहतराम करते हुए हमें जो है ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर हमें दुनिया और दीन दोनों में कामयाबी अगर हासिल करनी है तो हमें कुरान और हदीस पर अमल करना है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर अमल करना है। मैं समझता हूँ आप तमाम ने इस सबक को बखूबी समझा है। अब आइए मैं आपको मशक़ी सरगर्मी की तरफ लेकर चलता हूँ। मशक़ी सरगर्मी में हम देखेंगे कि मैं आपसे चंद सवालात जो है इस सबक से मुतालिक पूछूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपनी पेन कापी लेकर के बैठे हैं, आप जो है जो भी सबक को समझे हैं अच्छी तरह से समझे होंगे, और जो है अब मैं जो भी आपसे सवाल करूंगा जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे पहला सवाल इस सबक से मुतालिक पूछता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन व सादिक के लकब से क्यों याद किया जाता है। पहला सवाल है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन व सादिक के लकब से क्यों याद किया जाता है। वेरी गुड, आपने बताया है, बिल्कुल। आइए देखते हैं कि आपने क्या जवाब दिया है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नेक, ईमानदार, सच्चे और अमानतदार थे, इन्हीं खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक के लकब से याद किया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब रिहलत फरमाई। सवाल है, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब रिहलत फरमाई। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 बरस की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन रिहलत फरमाई, पीर के दिन रिहलत फरमाई। वेरी गुड, अब आते हैं तीसरा जो सवाल है, वो सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक कहाँ है, मदीना मुनव्वरा में है। वेरी गुड, आप इन तमाम सवालात के जवाबात को अपनी कापी में नोट कर लीजिए। आइए अब हम चलते हैं दूसरी सरगर्मी की तरफ। दूसरी सरगर्मी है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाना पूरी करो। पहला, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी को शहर मक्का में पैदा हुए। तो अब यहाँ पे डैश में आपको इन तीन जो है आपको दिए गए हैं, चॉइस दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से किसी एक जो है लफ्ज़ को आपको जो है चुनना है और चुन करके मुनासिब लफ्ज़ से जो है खाना पूरी करते हुए आपको जो है इन जुमलों को मुकम्मल करना है। तो पहला जुमला है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश 571 ईस्वी को शहर मक्का में पैदा हुए। तो अब यहाँ पर डैश में जो है आपको 20 रबीउल अव्वल, 12 रबीउस सानी, 12 रबीउल अव्वल, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। वेरी गुड, 12 रबीउल अव्वल, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को शहर मक्का में पैदा हुए। इसी तरह दूसरा जुमला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम डैश था,
तो अब यहाँ डैश में क्या लिखेंगे आप? तीन ऑप्शंस हैं आपके लिए, अबू तालिब, अब्दुल्ला, अब्दुल मुतल्लिब। तो आपका जवाब क्या है? हाँ, वेरी गुड, अब्दुल मुतल्लिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब था। वेरी गुड। इसी तरह तीसरा जुमला देखेंगे, अरब में शरीफ लोगों का पेशा डैश था। अरब में शरीफ लोगों का पेशा डैश था, तिजारत था, मुअल्लिमी था या ज़िराअत था? वेरी गुड, आपने जवाब दिया तिजारत। वेरी गुड, अरब में शरीफ लोगों का पेशा तिजारत था। इसी तरह चौथा जुमला देखेंगे, मेराज शरीफ का वाकया नबुवत के डैश साल में पेश आया। तो कौन से साल में पेश आया है? 14वें, 12वें या 16वें? वेरी गुड, आपने जवाब दिया 12वें। मेराज शरीफ का वाकया नबुवत के 12वें साल पेश आया। इसी तरह पांचवा जुमला देखते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश बरस की उम्र में रिहलत फरमाई, 73, 63 या 83? वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 बरस की उम्र में रिहलत फरमाई। आप तमाम को मुबारकबाद, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आप तमाम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने नोटबुक में जरूर भी जरूर जो है इन सरगर्मियों को नोट कर लें और अपने उस्ताद को, अपने मुअल्लिमा को दिखाएं और तसहीह फरमा लें। प्यारे बच्चों, इस ऑडियो को गौर से समाप्त फरमाइए। आपकी किताब में ये इजाफी मजमून दिया गया है जिसका उन्वान है माँ। माँ लफ्ज में कितनी मिठास है, कितनी कशिश है। माँ लफ्ज सुनकर दिल मसरूर और खुश हो जाता है। नजर के सामने एक शफ़क़त व ममता का मुजस्समा उभरता है। दुनिया की तमाम कौमों में माँ का मकाम इंतहाई अजीम है। माँ सब भाई बहनों को बहुत चाहती है, खानदान की हर जरूरत का ख्याल रखती है। घर की छोटी छोटी बातों पर नजर रखती है, इसे घर की आराइश और सजावट का ख्याल रहता है। वो खानदान के तमाम अफराद की खिदमत बड़े खुलूस और इनहमाक से करती है। वालिद साहब के कामों में हाथ बटाती है, वही हमारी तालीम, गिजा, लिबास, आराम वगैरह का इंतजाम करती है। अगर कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हम माँ ही से दरियाफ्त करते हैं। हमारी हर चीज का वही ख्याल रखती है। माँ के बगैर हम अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। माँ बड़ी मिलनसार और रहम दिल होती है। वो रिश्तेदारों और मेहमानों की मेहमान नवाजी बड़े खुलूस और अपनायत से करती है। लजीज खाना पकाती है, वो नौकरों के साथ भी बड़ा रहम दिली का बर्ताव करती है। माँ गरीबों, मजबूरों, यतीमों और बेवाओं की मदद बड़ी फिराक दिली से करती है। बीमारों की तीमारदारी करना वो अपना फर्ज समझती है। मोहल्ले में कोई बीमार हो जाए, माँ जरूर पहुंचती है। हम सब भाई बहन बहुत खुशकिस्मत हैं, कैसी मेहरबान, शरीफ-उन-नफ्स, दूर अंदेश और शफीक माँ हमें मिली है। प्यारे बच्चों, आपने इस इजाफी मजमून माँ का ऑडियो टेप आपने समाअत फरमाया। माँ के ताल्लुक से आपने ये मजमून सुना। अब आइए इस मजमून से मुतालिक जो आपने समाअत फरमाया है, इससे मुतालिक चंद सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। सवालात इस तरह हैं, पहला सवाल आपको दिया गया है कि किस लफ्ज में मिठास और कशिश है। दूसरा सवाल है, माँ किसके कामों में हाथ बटाती है। तीसरा सवाल है, माँ बच्चों की कौन कौन सी जरूरियात को पूरा करती है। चौथा सवाल दिया गया है, मेहमानों के साथ माँ किस तरह पेश आती है। पांचवा सवाल दिया गया है, नौकरों के साथ माँ कैसा बर्ताव करती है। और छठा सवाल दिया गया है, माँ की दीगर खूबियां बयान कीजिए। तब आइए मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ और आपसे जवाब हासिल करने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल इस तरह है,
कि किस लफ्ज में मिठास और कशिश है, किस लफ्ज में मिठास और कशिश है। वेरी गुड। माँ लफ्ज में मिठास और कशिश है। जो माँ लफ्ज है, इस माँ लफ्ज में बहुत ही मिठास है और बहुत ही कशिश है। हम जब अपनी माँ को बुलाते हैं, जब हम अपने जबान से हम माँ कहते हैं, तो इस माँ में बहुत ही मिठास है, इस लफ्ज में बहुत ही कशिश है। और जब हम माँ कहते हैं, जब भी हमें कुछ दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो हमारी जबान से माँ निकलता है। तो ये माँ लफ्ज जो है, ये माँ लफ्ज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिठास भर दिया है और कशिश भर दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। माँ लफ्ज में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ममता भर दी है। तो ये ममता भरा लफ्ज माँ है, इस माँ लफ्ज में मिठास है और कशिश है। दूसरा सवाल है, माँ किसके कामों में हाथ बटाती है, माँ किसके कामों में हाथ बटाती है। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया, माँ वालिद साहब के कामों में हाथ बटाती है। तो माँ जो है, हमारे जो वालिद साहब हैं, हमारी जो माँ है, हमारे वालिद साहब के कामों में हाथ बटाती है। आप तीसरा सवाल है, माँ बच्चों की कौन कौन सी जरूरियात को पूरा करती है, माँ बच्चों की कौन कौन सी जरूरियात को पूरा करती है। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया, माँ बच्चों की तालीम, गिजा, लिबास और आराम वगैरह का पूरा पूरा इंतजाम करती है और उनकी जरूरियात को पूरा करती है। अब माँ ही है हमारे घर में जो हमारी तालीम का ख्याल रखती है, हमारे जो है बस्ते को पैक करने में हमारी मदद करती है, हमारे कापियां और जो है किताबें जो है बैग में रखने में मदद करती है, और हमारे खाने पीने के इंतजाम करने में और जो है हमारा टिफिन तैयार करने में माँ हमारी जो है पूरी मदद करती है और हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। और इसी तरह हमारे कपड़े जो है हमें पहनाने में और हमारे कपड़े जो है इस्तरी करने में, हमारे कपड़ों को तैयार करने में हमारी माँ हमारी ज़रूरत जो है इस ज़रूरत को पूरा करती है। और इसी तरह हमारे आराम में जो है, आराम की जो हमारी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को भी जो है हमारी माँ हमारे लिए पूरा करती है। हमारा बिस्तर डालना, हमारे लिए जो है आराम का इंतज़ाम करना, ये हमारी माँ हमारे लिए इंतज़ाम करती है। तो हमारी माँ जो है हमारे बहुत सारी ज़रूरतें पूरा करती हैं जिनको गिना नहीं सकते हैं। तो बहरहाल ये चंद ज़रूरतें हैं जो हमारी तालीम का ज़रूरत है, ग़िज़ा की ज़रूरत है, लिबास की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरतें हमारी माँ हमारी पूरा करती है। और चौथा सवाल है, मेहमानों के साथ माँ किस तरह पेश आती है, मेहमानों के साथ माँ किस तरह पेश आती है। वेरी गुड, सही जवाब दिया आपने, माँ मेहमानों के साथ बड़े ही खुलूस और अपनाइयत से पेश आती है। अब पांचवा सवाल, नौकरों के साथ माँ कैसा बर्ताव करती है, नौकरों के साथ माँ कैसा बर्ताव करती है, नौकरों के साथ। वेरी गुड, नौकरों के साथ माँ रहम दिली का बर्ताव करती है, बहुत ही रहम से पेश आती है और उनके साथ जो है नरमी का बर्ताव करती है। और आपने देखा होगा छठा सवाल जो आपकी किताब में दिया गया है, वो सवाल है कि जो है माँ की खूबियों को बयान कीजिए, माँ की खूबियों को आपको बयान करना है। आप अपनी माँ में जो भी खूबियां देखते हैं, अपनी अपनी माँ के ताल्लुक से आप जो है एक तहरीर लिखिए, एक जो है मजमून लिखिए और लिख करके अपने उस्ताद को बताइए। अब आइए मैं आपको होमवर्क के तौर पे घर पर जो आपको काम है वो काम देता हूँ कि आपका घर पर काम इस तरह है कि दर्ज ज़ैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करो। मैं आपको चंद अल्फाज दे रहा हूँ, उन अल्फाज को आपको क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला सवाल है बचपन, दूसरा सवाल है परवरिश, तीसरा सवाल है नसीहत, चौथा जो है तीसरा लफ्ज है नसीहत, चौथा लफ्ज है वफात और पांचवा लफ्ज है तिजारत। पहला लफ्ज है बचपन, दूसरा लफ्ज है परवरिश, तीसरा लफ्ज है नसीहत, चौथा लफ्ज है वफात और पांचवा लफ्ज है तिजारत। तो ये पांच अल्फाज आपको दिए गए हैं होमवर्क के तौर पे घर पर काम, आपको करना क्या है, इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं और जुमले बना करके आपको अपने उस्ताद को बताना है, अपने मुअल्लिमा को दिखाना है और जो है तसहीह कर लेना है। तो आज के इस सबक में, ऑनलाइन संवेदाई क्लास में, मैं मोहम्मद असगर अली
आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है इन तीन जो है इस सबक के तीन सेशंस को बगौर देखा है, सुना है, और जो है इस सबक को बगौर समाप्त भी किया है, देखा भी है, और इसमें जो भी अहम बातें बताई गई हैं उसको नोट कर लिया है। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं मोहम्मद असगर अली मोइन मुअल्लिम, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल अली बिचाली, तालुका जिला रायचूर, आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अनुदिना अनुक्षणा।